हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 15 ऑफ क्लास 8 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। राइट, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। राइट, अच्छा आज अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो सम एप्लीकेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है, अपन लीनियर ग्राफ को बनाना ही सीखेंगे यहाँ पे, उनको डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में कैसे अपन यूज कर सकते हैं, बस वही सीखने वाले हैं। राइट, देखो यहाँ पे दो चीज होती है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब देखो इंडिपेंडेंट क्या होता है कि जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम स्पीड है, स्पीड किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। स्पीड अगर आपने बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा, स्पीड आपने अगर घटाई तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बेसिकली स्पीड इज इंडिपेंडेंट और टाइम इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। देखो टाइम क्या है, डिपेंड करेगा स्पीड पे, है ना। कोई आपसे पूछता है कि भाई कितनी देर में आ जाओगे, तो आप बोलोगे तो डिपेंड करता है हम कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है, इंडिपेंडेंट है, और टाइम क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन से अपने को और थोड़ा क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज अजीत कैन राइड अ स्कूटर, अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, draw a time distance graph and also find time taken by Ajit to ride 75 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर। ठीक है, अजीत है, उसका स्पीड चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है हमें 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम डिस्टेंस ग्राफ। तो देखो अगर डिस्टेंस और टाइम, अगर डिस्टेंस मान लो 30 किलोमीटर है तो टाइम एक आर लगेगा। ठीक है, स्पीड का फॉर डिस्टेंस, स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लेंगे। अगर डिस्टेंस 60 किलोमीटर है तो टाइम 2 आवर्स, 90 के लिए 3 आवर्स, 120 के लिए 4 आवर्स। ठीक है, तो अब ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा टाइम बेसिकली डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट वेरिएबल जर्नली अपन किस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं ना, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, तो यहाँ पे ले लेते हैं टाइम और यहाँ पे ले लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो 0, 30, 60, 90, 120 एंड 150, ऐसा कुछ 1, 2, 3, 4, ये 5। देखो 30 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 30.1 ये वाला। दूसरा क्या है, 60 पे वैल्यू 2 है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 60.2, तो 60.2। 90.3 के बाद 120.4, सो 120.4 ये आ गया। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो आपको देखना एक लीनियर ग्राफ मिलेगा।
ठीक है ऐसा। तो ये हो गया क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब क्या था, एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइट 75 किलोमीटर। तो देखो 75 किलोमीटर्स यहाँ कहीं आएगा, इसके बीच में आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, सॉरी 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। ठीक है कर लेंगे ना, कर लेंगे, कर लेंगे ना, 75 किलोमीटर 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। और निकालना हो तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 75 किलोमीटर, टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डी बाई एस, विच इज 75/30। सो 15 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, सो आंसर इज 2.5 आवर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके जस्ट बीच में आएगा, कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, एप्लीकेशंस क्या, उसके क्या हो सकते हैं एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अपन 6th क्लास में भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।